गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी एंड मनीषा शर्मा एंड टुडेज सेशन इज बेस्ड ऑन बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बैरियर्स होते क्या हैं। बैरियर्स रेफर्स टू ऑब्स्टैकल्स, यानी कि कोई भी परेशानी अगर आपको आ रही है किसी भी काम को करने में, तो ये जो परेशानियाँ हैं इन्हें बैरियर्स बोला जाता है। बैरियर्स रेफर्स टू ऑब्स्टैकल्स और हिंड्रेंस दैट प्रिवेंट मूवमेंट, यानी कि किसी भी काम को करने में आने वाली कोई भी बाधा, उसको हम बैरियर बोलेंगे। फ्लोज एंड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन आर आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को कौन कौन सी जो परेशानियां हैं, जो बैरियर्स हैं, वो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज दे कैन बी कॉज्ड बाय द सेंडर, सेकंड इज दे कैन बी फाउंड इन द मैसेज ट्रांसमिशन मीडिया, थर्ड इज दे मे अराइज व्हाइल रिसीविंग द मैसेज, फोर्थ इज देयर मे बी प्रॉब्लम्स इन रिसीवर्स कॉम्प्रिहेंडिंग द मैसेज एटसेट्रा। अब ये जो टॉपिक्स हमने बात करी है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान क्या क्या बैरियर्स फेस करने पड़ सकते हैं, तो सबसे पहले है दे कैन बी कॉज्ड बाय द सेंडर। अगर सेंडर की तरफ से ही मैसेज कन्वे करने में कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। अब अगर हम बात करें कि सेंडर की तरफ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबसे पहले तो जो आइडिया है उसकी अगर एनकोडिंग प्रॉपरली नहीं हुई है, तो उसकी डिकोडिंग प्रॉपरली नहीं हो सकती। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रखता है कि सेंडर जो भी अपना मैसेज कन्वे करना चाहता है उसकी एनकोडिंग प्रॉपर हो, ताकि रिसीवर उसको डिकोड कर सके और उसे ईजिली समझ सके। सेकेंड इज दे मे बी फाउंड इन द मैसेज ट्रांसमिशन मीडिया। जब सेंडर कोई मैसेज सेंड करता है, उसको एनकोड करता है और फिर किसी मैसेज किसी ट्रांसमिशन के थ्रू, किसी मीडिया के थ्रू जब उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, तो उस मीडियम में भी ऑफकोर्स कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक बैरियर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि आप वर्क कर रहे हैं इंटरनेट पे और अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड ही लो है, तो फिर आप अपना मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं कर सकते। मान लीजिए आप फेसबुक पे कोई पोस्ट जो है वो अपलोड कर रहे हैं और पोस्ट अपलोड करने के दौरान ही आपका इंटरनेट जो है फैसिलिटी वो एकदम से डाउन हो जाती है, उसकी स्पीड नहीं आ रही है या इंटरनेट चला जाता है, तो आप फेसबुक पे वो मैसेज नहीं डाल सकते। फेसबुक क्या है? इट्स अ ट्रांसमिशन, इट्स अ मीडियम जहाँ पे आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अगर ट्रांसमिशन के दौरान ही मैसेज को कन्वे करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। यानी कि ट्रांसमिशन जो है, जो मीडियम आपने चूज़ करा है, वहाँ पे भी कोई ना कोई बैरियर आ सकता है। नेक्स्ट इज दे मे अराइज वाइल रिसीविंग द मैसेज। अब आपने कोई चीज़ किसी को सेंड तो कर दी है, लेकिन जो रिसीवर है उसके पास तक वो मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं हुआ है, तब भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो पाएगा और वो भी एक बैरियर जो है बन जाएगा। नेक्स्ट इज देयर मे बी प्रॉब्लम्स इन रिसीवर्स कॉम्प्रिहेंडिंग द मैसेज। कॉम्प्रिहेंडिंग द मैसेज में ये हो सकता है कि आपने जो भी मैसेज एनकोड करके भेजा है, रिसीवर उसकी डिकोडिंग प्रॉपरली नहीं कर पाए। अब देखिए, सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं एक्सप्रेशंस पर, किस एक्सप्रेशन के साथ आप कोई चीज़ सेंड करते हैं। अगर रिसीवर उसको प्रॉपरली नहीं समझ पा रहा है, तो दैट इज़ द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि सेंडर जो अपने मैसेजेस भेज रहा है रिसीवर को, उसकी तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो सेंडर्स जनरेटेड बैरियर्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैक ऑफ नॉलेज और इनसफिशिएंट आइडियाज़ अबाउट द रिसीवर। कई बार ऐसा होता है कि जो सेंडर है उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि उसका जो रिसीवर है वो किस टारगेट ग्रुप का है, उसकी नॉलेज कैसी है,
और उसके आइडियाज़ कैसे हैं। अब मान लीजिए कि मैं अगर आपको कम्युनिकेशन के चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ और मैं आपको जो भी अपने आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ, हो सकता है वो आइडियाज़ आपको समझ में आ रहे हों, किसी को नहीं आ रहे हों, बिकॉज़ आपका बैकग्राउंड जो है वो पहले इस फील्ड का नहीं रहा। तो आपका जो टारगेट ग्रुप है उसकी नॉलेज क्या है, उसकी आईक्यू क्या है, उसकी एज क्या है, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें सेंडर को मालूम होनी चाहिए, ताकि सेंडर जो भी मैसेज कन्वे कर रहा है वो उस ग्रुप की अकॉर्डिंग ही हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मैं कोई जागरूकता कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सेव वाटर की, अगर सेव वाटर की बात हो रही है, तो अर्बन एरियाज़ में अगर हम इसकी बात करें तो जो भी आइडियाज़ होंगे उनका शेयरिंग मोड डिफरेंट होगा। अगर यही यही जागरूकता अभियान जो है विलेजर्स के लिए होगा, ग्रामीण भाई बहनों के लिए होगा, तो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग होगा, भाषा शैली अलग होगी, बात करने का तरीका अलग होगा। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपका जो रिसीवर है उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या एजुकेशन है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट इज नेगेटिव एटीट्यूड और लैक ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स मैसेज, अनविलिंग टू कम्युनिकेट इट। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस बात को कह रहे हैं किसी प्रेशर में आके कह रहे हैं, या हम अपने आप में ही कंफ्यूज हैं, तो हम उस मैसेज को ईजिली कन्वे नहीं कर सकते, बिकॉज जो सेंडर है उसको अपने आप में ये क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जो भी मैसेज कन्वे कर रहा है वो एकदम क्लियर हो, उसमें क्लैरिटी हो, ताकि रिसीवर भी उसको समझ के उसको क्लियर कर सके। नेक्स्ट इज नेगेटिविटी टूवर्ड्स द रिसीवर। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप आपका पीयर ग्रुप है और उनमें से आप किसी एक को पसंद नहीं करते हैं, तो आपका बात करने का जो लहजा होगा उससे वो टोटली डिफरेंट होगा। तो नेगेटिविटी टुवर्ड्स द रिसीवर जो है वो एक बैरियर है सेंडर का जब वो कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट इज इनअप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम बाय द सेंडर इन ट्रांसमिटिंग द मैसेज। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो मीडियम चूज करा है अपना मैसेज कन्वे करने के लिए ही, वो ही प्रॉपर ना हो, उसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो प्रॉपरली मैसेज जो है वो सेंडर की तरफ से रिसीवर के पास नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू डिसाइड द प्रॉपर टाइमिंग फॉर कम्युनिकेटिंग द मैसेज। अब आप रात के 1:30 बजे किसी को अगर कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो जो टाइम है वो प्रॉपर टाइम नहीं है किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि जनरली लोग रात के 1:30 बजे सो ही रहे होते हैं, तो आपका जो टाइमिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट इज इनडेसिसिवनेस टू चूज द कंटेंट ऑफ द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड, इट किल्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो कंटेंट लिया है उसके लिए आप खुद ही डिसीजन नहीं ले पाए हैं कि ये कंटेंट सही है या गलत, इसलिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप जो भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसके लिए आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो प्रॉपर हो। अब हम बात करेंगे बैरियर्स इन मैसेज ट्रांसमिशन के बारे में। देखिए, जब मैसेज ट्रांसमिशन की बात होती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके फिजिकल बैरियर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले डिस्टॉर्शन की बात होती है। तो डिस्टॉर्शन कब अकर होता है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इट्स अकर्स व्हेन द मीनिंग ऑफ द मैसेज इज द लॉस्ट व्हाइल एनकोडिंग एंड डिकोडिंग द मैसेज। फिजिकल डिस्टॉर्टेशन आर ऑल्सो देयर सच एज पुअर लाइटिंग, अनकम्फर्टेबल सिटिंग, अनहाइजीनिक रूम ऑल्सो अफेक्ट कम्युनिकेशन इन मीटिंग। यानी कि जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, अगर उसकी एनकोडिंग प्रॉपर नहीं है, उसकी डिकोडिंग प्रॉपर नहीं है, तो वो मैसेज प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं होगा। नेक्स्ट इज नॉइस। अगर आप बहुत सारी आवाज़ें हो रही हैं आसपास और आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो रिसीवर है उस तक आपका मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन।
ये जो है सबसे बड़ा बैरियर है किसी भी कम्युनिकेशन में। अगर आप एक साथ किसी रिसीवर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो रिसीवर जो है वो उसे समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हमेशा ऐसा कहा जाता है कि कम्युनिकेशन जो है वो जितना शॉर्ट में हो और जितना कंसाइज फॉर्म में हो उतना ही बेहतर होता है। बैरियर्स फ्रॉम मैसेज, मैसेज और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन इज द की फैक्टर इन मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ सक्सेस। द लैंग्वेज यूज देयर इन द वर्डिंग्स द प्रिसाइजनेस एंड द टाइमिंग काउंट अलॉट फॉर द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके के शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेशन के दौरान, अगर वो रिसीवर के समझ में आते हैं तब तो वो कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी उर्दू में आप लोगों से बात करने लग जाऊँ तो आप लोगों को वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग बायलिंगुअल बैकग्राउंड से हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी भाषाएं समझते हैं लेकिन उर्दू नहीं समझते। बात करते हैं चैनल बैरियर्स की। चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट एंड वाइबल चैनल्स फॉर कम्युनिकेटिंग इज द आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन कम्युनिकेटिंग। इफ द सेंडर चूज एन इनअप्रोप्रिएट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मे कीज। यानी कि अगर आप अप्रोप्रिएट चैनल ही यूज में नहीं ले रहे हैं तो मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा। Thank you very much.